तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अभी देखते हैं भैया कहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि वो हैं अभी रांची पे और रांची का शोरूम पे पता नहीं क्या हुआ, वो शोरूम पे लेकर गए थे शायद, तो वहाँ पे शायद उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो हमको कॉल किए हैं, बोले ऐसा ऐसा बात है तो क्या तुम आएगा, तो हम बोले ठीक है आप पहुँचिए, हम भी इधर से पहुँच रहे हैं। तो मुझे अच्छे से कुछ मालूम है नहीं कि एक्चुअली में सीन क्या है, हुआ क्या है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे वहाँ पे सर्विस सेंटर पे KTM का, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या है और भैया इतना फायर क्यों थे। तो चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं और आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे। भैया लिए थे यहीं पे रामगढ़ का शोरूम सही बाइक, और रामगढ़ शोरूम वाले लोग बोल रहे हैं कि अवेलेबल होने के बाद भी मना कर दे रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे। तो अभी भैया रांची से आए हुए हैं यहाँ रामगढ़, और अभी हम लोग चलते हैं फटाफट यहाँ से सर्विस सेंटर और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन बनता है। तो आप लोग से मिलते हैं हम डायरेक्ट सर्विस सेंटर पर। जब बोला कि मेरा गाड़ी वारंटी में है तो उन्होंने बोला कि नहीं देंगे फिर, ऐसा क्यों किया? नहीं देंगे। हाँ उन्होंने क्लियर बोला नहीं देंगे फिर। बात कीजिए ना सर, बात कीजिए ना। हम रांची से आप ड्रॉप पे लेके जा रहे हैं, हमने एक घंटा में पहुँच रहे हैं। मैनेजर से बात कीजिए, आप मैकेनिक हैं। आप बात कीजिए, हम आपको से गाड़ी लगाए ना, आप देखिए प्रॉब्लम, बात कीजिए आप। ऐसा तभी यहाँ पे तभी बताया जा रहा है कि उधर से बोल रहे हैं कि यार आप मैनेजर से बात करो, और वहाँ पे बात करते हैं तो वो अलग बोलता है, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। यार पता नहीं ये लोग के क्या सीन है, यहाँ से वहाँ दौड़ा रहा है, वहाँ से वहाँ दौड़ा रहा है, वहाँ से यहाँ दौड़ा रहा है, पानी डाल लगाते हैं। गाड़ी हम नहीं शोरूम से लिए, अपना शोरूम पे लेने के बाद भी दिक्कत नहीं, अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता, इसलिए अच्छे से बात नहीं किया, बोलता नहीं देंगे फिर हम। ये कोई बात नहीं होता है, अच्छा लग रहा है और मिसबिहेव कर रहा ऊपर से, तो ये बात बहुत गलत है भाई। से गाड़ी है ना ट्रैफिक में बंद हो जा रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे जो किल स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ का मोटर वाइब्रेट का, तो वो भी वाइब्रेट नहीं कर रहा। शोरूम में बोला फ्यूल पंप इशू है आपका, बार बार ट्रैफिक में खड़ा गाड़ी खड़ा हो जा रहा है, सब जा रहा है, मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, 20 मिनट बाद जब ठंडा हो रहा तब स्टार्ट हो रहा। एक मोटर लगा रहता है, हाँ, इंजन फिर स्विच ऑन करेंगे ना तो आवाज़ करता है, यानी उसका मतलब ये ओके है फ्यूल पंप वगैरह, हाँ ठीक है। वो आवाज़ नहीं कर रहा कभी कभी, इसलिए मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। हमको फ्यूल पंप का मेरा इशू आ गया, तो हम पूछे हैं कि फ्यूल पंप है आपके पास? मैं जब पैसा फेंक रहा था ना तो बोलते है फ्यूल पंप, हाँ मेरे पास 1 पीस बचा हुआ है। जब मैं वारंटी का बात किया तो बोलते नहीं देंगे फ्यूल पंप, नहीं है मेरे पास। ऊपर से मिसबिहेव, ऊपर सीधे बोलता है कि नहीं देंगे। यार ऐसा ऐसा सीन बन रहा है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से हम लोग को जाना पड़े डायरेक्ट शोरूम, क्योंकि यहाँ का मैकेनिक लोग बोल रहे हैं कि यार आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करो। हाँ उसको निकाल लीजिए, हम ट्रैफिक में खड़े हैं, गाड़ी ओवर हीट हो रहा है, ये तो मोटर काम करता है, हम आवाज करते हैं, वो आवाज़ नहीं कर रहा, नहीं आवाज़ नहीं कर रहा, इसलिए मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं, जब वो आवाज़ करता है मेरा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। हम रांची सर्विस सेंटर गए, वहाँ मैंने चेक किया, बोला फ्यूल पंप खराब है, फ्यूल पंप का इशू है, ठीक है फ्यूल पंप चेंज कर पा रहा है। तो आपसे हम पूछे पार्ट्स आपके पास है? बोले है मेरे पास, एक तो बचा हुआ, बोले 10 मिनट रुकिए हम चेक करके बता रहे, चेक किए बोले एक पार्ट मेरा बचा हुआ, एक तो बचा हुआ मेरे पास, आके लगवा लीजिए। तो मैं जब पैसा लगा दिया तो पैसा भी एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं बोला ना गारंटी में, तो बोलते हैं कि कब नहीं देंगे, बोले कि नहीं देगा आप पहले क्यों नहीं देगा, गारंटी में अगर आ रही है कि आधा गारंटी है।
अभी यहाँ पे मैकेनिक अपना जो भी अपना चेक कर रहा है बाइक पे। अब पता नहीं यार क्या होगा, बनेगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मैकेनिक मैनेजर से बात कर रहा था और मैनेजर का कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि भैया बोले थे कि हम आ रहे हैं भैया, और उसके वजह से शायद ये भी हो सकता है कि मैनेजर अपना फ़ोन बंद कर दिया हो या कुछ भी, क्योंकि बहुत गंदा मिसबिहेव हुआ था उसमें। और अभी हम लोग को यहाँ से बोला गया है कि आप लोग बजाज का सर्विस सेंटर पे जाइए और वहाँ का मैनेजर से आप लोग एक बार बात कर लीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट बजाज का सर्विस सेंटर। हम आते हैं बात करके। वो नहीं बताएगा, रुकिए ना बात करते हैं। बोल रहे हैं ना वो भोलानाथ भैया से मिलना था, भोलानाथ भैया से अभी बोला सर, बोला सर वहाँ प्रोफाइल खोलिए ना, प्रोफाइल क्या हुआ का प्रॉब्लम क्या हुआ। वो बात ये है ना कि इसका बाइक में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बात किया वो तो डायरेक्ट वो मना कर दे रहा है कि हम ठीक नहीं करेंगे, जबकि इसका बाइक वारंटी पे है। कौन गाड़ी है आपका, बात क्या हो रही है, मतलब हुआ क्या ना कि मेरा पेटीएम की चोरी हो गई, बोलो खुले तो बताओ कैमरा हो ना, कैमरा बात कर रहा हूं, मेरा केटीएम ड्यूक 250 है, मैं रांची में एक हफ्ते से परेशान हूं, मेरा फ्यूल पंप होता है ना उसका इशू कर रहा, मैं ट्रैफिक गाड़ी है खड़ा हुआ, तो मैं सर्विस सेंटर के यहाँ पर कॉल किया, बोला आपके पास है फ्यूल पंप, वहाँ रांची में चेक करवा दिया था, यहाँ भी शोरूम से मैं गाड़ी लिया नहीं, शोरूम से लिया, मैं जब बोला कि हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे 10 मिनट में बता रहा हूँ, जब वो 10 मिनट बाद कॉल किया बोले 21 मिनट बचा हुआ, 2021 का मॉडल मैं ड्यूक 250 है, बोले 21 मिनट बचा हुआ, जब मैं बताया मेरा गाड़ी ऑन सर्विस है, उन्होंने मुझे दाम बोला कि आप पैसा दीजिए और ले जाइए, हम बोले मेरा गाड़ी ऑन सर्विस है क्यों देंगे पैसा, ठीक है, तो उन्होंने बोला ना नहीं देंगे सर आप जाइए, हम बोले हम कंप्लेन करेंगे, बोले जाइए तो कंप्लेन करा कर दीजिए, नहीं देंगे आप कंप्लेन, तो बात हुआ 3 लाख का हम गाड़ी से लीजिए, आप बोले तो घटे घटिया सर दीजिए, अरे वो तो ठीक है बट ऊपर से मिसबिहेव करते हैं ना, बात ये है। हम बोले कि हम यूट्यूबर हैं, हमको लंबा लंबा छूट पे हमारी गाड़ी इशू कर रहा है, 21 लगा बचा हुआ है, लगा तो नहीं नहीं लगाएंगे, हम बोले मैं सर्विस में क्यों देंगे पैसा आपको, हमको अर्जेंट जाना है हर जगह। तो मैं बोला ठीक है, मैं गाड़ी से वारंटी में मैं पैसा नहीं दूंगा, मैंने बोला कि आप गाड़ी के लिए बता दें आपको वारंटी में नहीं, भैया तो हम कस्टमर है ना, मेरा आपका 1 पीस बचा हुआ है ना, आप अगर मुझे बोला 1 पीस मेरे पास बचा हुआ है, मान ले किसी और कस्टमर के लिए मंगाया होगा, अरे तो सुनिए बात, गाड़ी पेंडिंग होगा, मतलब कि मतलब आपको बताना चाहिए था सर कि हाँ सर बुक है, और है बुक है ये बताना चाहिए, अभी तो कंफर्मेशन नहीं था ना, आपको क्या बोल रहे हैं, नहीं तो हम ये बात नहीं ना समझे हैं, क्योंकि हम तो आपसे ऑन टाइम कॉल पे बात किए, बोला मुझे हम यूट्यूब में चैनल हम बहुत दूर जाना है सर, मेरा घर बार बोला, मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा, नहीं दूंगा, मैंने बोला नहीं दूंगा, आप बोले टोल फ्री में कॉल करेंगे, बोले कर लीजिए कॉल, उसके लिए कोई इशू नहीं है, नहीं बोला नहीं दूंगा, हम आपका गाड़ी हम आपका गाड़ी देखेंगे प्रोसेस करेंगे, वारंटी का अगर इशू है तो वारंटी का प्रोसेस, इन्होंने बोला नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने बोला नहीं दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे, आप कैसे नहीं दोगे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वारंटी है आपका गाड़ी, हाँ मेरा अभी 7 महीना 8 महीना हुआ गाड़ी, अगर वारंटी में तो वारंटी में होती है, सुनिए पहले इन्होंने बोला 1 पीस बचा हुआ है, फिर बोला इन्होंने लास्ट में जब मतलब कि कैश में तो आप ही ना बोले थे, कैश में क्यों बोले थे पता है, मैं ऑलरेडी ना बहुत लोग मेरे कॉन्टेक्ट में जो गाड़ी ले जा चुके हैं, अगर ये कैश बोलता है ना, अगर वारंटी बोलता है ना सर, तो बोलता है बोला जाता है नहीं है हमारे पास, जब कैश बोला जाता है तुरंत निकल जाता है शोरूम से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं,
हम यहीं पे बैठे हुए हैं, ये बजाज है, पेटीएम नहीं है, पेटीएम आप जा चुके हैं। 10 मिनट आपने टाइम लिया तो आपने 10 मिनट में क्या किया, आप हमको कंफर्म ना बताते हैं। आप दे दीजिए अपना डिटेल, वारंटी तो वारंटी एरिया मैनेजर को गाड़ी का फोटो भेजेंगे, पंप का फेल्योर का जो पेट्रोल डिलीवरी होता है हम लोग का, वो फोटो भेजेंगे, बोलेगा ठीक है चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा वारंटी, उसमें क्या। भाई यही बात आपको बोलना था ना, आपने सीधे बोल दिया नहीं दूंगा, तो मैं क्या समझूंगा बताइए। तो भाई अभी यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है, बात वगैरह हो चुका है, और अंदर पे कैमरा अलाउ नहीं कर रहा था, बहुत भगजक हुआ उसके वजह से हम लोग कैमरा ऑन करके दिखा नहीं पाए। तो यहाँ पे हो चुका है सारा कुछ शॉर्ट आउट, और वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग फिर से चेक करेंगे और आप लोग को फिर से इन्फॉर्म करके अपडेट बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी हमको लेना है आरसी कार्ड, और अभी हम जा रहे हैं शोरूम पर अपना, और वहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं मेरा आरसी कार्ड आया है या नहीं। हो जाएगा। हाँ आते ना हम बात करके। तो गाइज अभी यहाँ पे हम आए थे शोरूम पे आरसी कार्ड का बात करने, तो आरसी कार्ड हमारा आ चुका है, और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से कि फाइनेंसर वाले लोग लेके चले गए हैं आरसी कार्ड। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं फाइनेंस ऑफिस, और वहाँ से आरसी कार्ड अपना उठाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम डायरेक्ट घर। तो ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।